सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपको दूसरे वनडे की ताजा खबरें देखनी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे भारत 8 विकेट से जीत गया। इस जीत के हीरो ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने नाबाद शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई। रोहित शर्मा ने लगाया नाबाद शतक कानपुर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला नॉटिंघम में खेला गया। इस मैच में भारत ने की शानदार शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 268 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 269 रन का लक्ष्य मिला। जीत के लिए मिले इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने 40.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने नाबाद 137 रन की पारी खेली। इंग्लैंड में सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हिटमैन रोहित शर्मा ने पहले मैच में 137 रन की पारी खेलकर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। इंग्लैंड में किसी द्विपक्षीय सीरीज में भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया यह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। रोहित ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। साल 2011 में कार्डिफ में खेले गए एक मुकाबले में विराट ने 107 रन की पारी खेली थी। लगातार 7 वनडे सीरीज में शतक रोहित शर्मा ने अपने कप्तान का एक और रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय ओपनर बल्लेबाज ने लगातार 7 सीरीज में शतक लगाकर विराट को पीछे छोड़ दिया। कोहली ने 2011 से 2012 के बीच लगातार 6 वनडे सीरीज में शतक ठोके थे, मगर रोहित ने 2017 से 18 के बीच खेली गए लगातार 7 वनडे सीरीज में शतक जमा दिया। भारतीय टीम जब अगस्त 2017 में श्रीलंका दौरे पर गए थी, तब रोहित ने इस सीरीज में 2 शतक लगाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित के बल्ले से शतक निकला। इंग्लैंड में विराट से ज्यादा शतक, इंग्लैंड में विराट का रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। यही वजह है कि वहां पर 20 वनडे खेलने के बावजूद विराट के बल्ले से सिर्फ 1 शतक निकला, मगर रोहित ने सिर्फ 2 वनडे खेलकर 2 शतक जमा दिए। हिटमैन रोहित ने इंग्लैंड में पहला मैच ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खेला था, तब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा था। अब दूसरी बारी इंग्लैंड की थी तो रोहित के बल्ले से फिर शतक निकला। दोस्तों, टीम इंडिया दूसरा वनडे मैच जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।